बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को कैलकुलेट करके देखा हुआ था। आज हम चलेंगे उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। हम पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी अपनी बुक्स में देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एवं कोटियों x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a इंटू ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट a 1 माइनस ई स्क्वेयर एवं e इज लेस देन 1 है। क्वेश्चन में बेटा आपको जो कुछ दिया गया है मैंने लिख लिया है यहां पर। एक आपको दीर्घवृत्त दिया हुआ है और दीर्घवृत्त की इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कोटियां दी गई हैं एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई और एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको जिस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए वो इस दीर्घवृत्त और इन दोनों कोटियों से घिरा होना चाहिए। कोटियां मतलब आप रेखाएं भी समझ सकते हैं कि दीर्घवृत्त और इन दो रेखाओं से जो घिरा क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल हमको पता लगाना है। इन्होंने एक चीज और दी है कि यहां जो आप इस इलिप्स में बी स्क्वेयर देख रहे हैं इसकी वैल्यू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर है, ये इन्होंने दिया है। उसके साथ ये भी बताया दैट ई इज लेस देन 1। फॉर एलिप्स यू ऑल नो दैट ई इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी जिसको हम हिंदी में इसको हम बोलते हैं उत्केंद्रता इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। फॉर पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 1। फॉर सर्कल इट इज 0। फॉर एलिप्स इट इज लेस देन 1 एंड फॉर हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो बिकॉज दिस इज द एलिप्स सो द एक्सेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। आपको इनसे घिरा हुआ एरिया पता लगाना है, लेकिन केवल क्वेश्चन को देखकर हमें कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। इसलिए सबसे पहले मुझे इनके फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस पर। ओके, तो चलिए कोऑर्डिनेट एक्सेस पर हम लोग फिगर बनाते हैं एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप भी ध्यान से देखिए। दीर्घवृत्त का फिगर अगर आपको बनाना है, जैसे लास्ट क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे कि परवलय का चित्र बनाना है तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, सर्कल का अगर डायग्राम आपको बनाना है तो क्या आपको पता होना चाहिए, और लाइन का अगर फिगर बनाना है तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल जो भी इलिप्स आपके पास ये दिया गया है, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स में दीर्घाक्ष लघुअक्ष सारे के सारे होते हैं, और जब हमको ये नहीं बताया जाता है कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से बड़ा है या ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से छोटा है, उस समय हमेशा हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही बना के अपने कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैं यहां पर कौन सा इलिप्स मान लेता हूं कि ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्लास 11th में हॉरिजॉन्टल इलिप्स वर्टिकल इलिप्स दोनों आपको बताए गए, क्षैतिज दीर्घवृत्त ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त आपको बताए गए हैं। इसका सेंटर कहां पर होगा, ये कुछ जानकारियां हैं जो इस प्रकार के इलिप्स का सेंटर आप याद करें ओरिजिन पॉइंट पर होता था 0 0 पर। इसके जो फोकस होता था इसका, जिसे हम ना भी कहते थे, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा 0। वैसे तो दो फोकस होते हैं इसके, उन फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। दीर्घाक्ष के सिरे क्या होंगे इसमें, दीर्घाक्ष के सिरे ये होंगे प्लस ए कॉमा 0।
इसके बाद लघु अक्ष के सिरे अगर, लघु अक्ष के सिरे अगर निकालेंगे तो वो माइनस ए कॉमा जीरो के बराबर आएंगे, ठीक है। और दीर्घाक्ष के सिरे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और लघु अक्ष के जो सिरे होंगे बेटा ये होंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस भी, आई एम सॉरी, दीर्घाक्ष के सिरे और लघु अक्ष के सिरे एंड उसके जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस विल बी प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस विल बी जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। दिस इज ऑल अबाउट द इलिप्स जो कि आपको यहां पर दिया गया है। अब इसी जानकारी के साथ हम इसका फिगर बना सकते हैं, तो चलिए पहले बना लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्षैतिज दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का फिगर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, ये इसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर दिया है। और अब सेंटर इसका 0,0 पर, तो ये सेंटर है 0,0, इसका हम ओ नाम रख देते हैं, यहां पर हम इस ओ को लिख देते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल भी इलिप्स हो गया, सेंटर भी लिख दिया, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं यहां पर जो एफ होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए ई कॉमा जीरो, एक इसका फोकस इतनी दूरी पर यहां भी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एफ डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसके जो वर्टिसेस होंगे दीर्घाक्ष के सिरे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ये दीर्घाक्ष का एक सिरा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा जीरो, और ये इधर का सिरा होगा ए डैश से लिखते थे हम लोग माइनस ए कॉमा जीरो। लघु अक्ष के सिरे हैं बी जीरो कॉमा बी, और लघु अक्ष का ये वाला सिरा होगा बी डैश जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो इलिप्स की जितनी भी जानकारी हमें थी या जो कोई उसके लिए जरूरी था उतना हमने जानकारी लिया और वहां पर उसको बना दिया, बस इलिप्स बनाने में इतना ही सफिशियंट है। फोकस भी हमको जरूरत नहीं थी लेकिन हमने बना दिया है, बस सेंटर सिरे और उसके हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल, बस इतना जरूरी रहता है, ठीक है। हमने इलिप्स को तो बना दिया, अब रेखाओं की बात करिए। लाइंस, दो लाइंस के बारे में बात की जा रही है, एक लाइन है x इज इक्वल टू ए ई और एक लाइन है x इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को आप पहचाने कि ये दोनों लाइंस कहां पर आएंगी, कहां बनाए जाएंगे इनको और क्या है, कहां पर बनेंगी ये। सबसे पहली चीज तो मैं इसको बता देना चाहता हूं, ये लाइन जो कि x इज इक्वल टू जीरो है, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ये y एक्सिस की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू जीरो लाइन अगर आपको बनानी है तो आप y एक्सिस बना देना, बस y एक्सिस की ही क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसके लिए अलग से कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, x इज इक्वल टू ए ई जो है, इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है x इज इक्वल टू एच टाइप का फॉर्मेट, एंड प्लीज रिमेंबर दैट द लाइन विच हैज द इक्वेशन x इज इक्वल टू एच, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन y अक्ष के समांतर होती है। Parallel to y-axis at distance h. मतलब y अक्ष के समांतर होगी और मूल बिंदु से h डिस्टेंस से होकर जाएगी, डिस्टेंस h फ्रॉम ओरिजिन। तो सारी जानकारी इस लाइन के बारे में, x इज इक्वल टू एच टाइप की इक्वेशन है,
इसलिए ये वाई अक्ष के समांतर रेखा है जो कि मूल बिंदु से h दूरी से होकर गुजरती है। x इज इक्वल टू जीरो, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, इसलिए अगर ये बनाना है तो आप केवल y अक्ष बना देना, समझिए x इज इक्वल टू जीरो बन गया। तो ये भी हमने, अब इनको भी मुझे बना देना चाहिए, x इज इक्वल टू जीरो पहले बना लीजिए, मतलब क्या बना लीजिए, y एक्सिस। तो बेटा ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको अलग से मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी इक्वेशन का क्या नाम है, यही इक्वेशन है x इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी इक्वेशन हो गई y एक्सिस की, ठीक है। अब x इज इक्वल टू ए, y अक्ष के समांतर है और ए डिस्टेंस से होकर जाएगी मूल बिंदु से, y अक्ष के समांतर रेखा, देखिए बेटा ये y एक्सिस है, इसके समांतर रेखा है, तो या तो ऐसे जाएगी क्योंकि ऐसे भी y अक्ष के समांतर होता है, और या तो इधर से जाएगी। y अक्ष के समांतर के लिए लाइन ऐसे ही बननी है। अब ये आप डिसाइड कर लो देख के कि वो y अक्ष के राइट हैंड साइड पे ऐसे रहेगी कि y अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे रहेगी। तो हमने देखा इसमें x इज इक्वल टू ए है प्लस ए, ए डिस्टेंस से जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो अब ध्यान से देखें y अक्ष के पॉजिटिव ए डिस्टेंस पर अगर आप y अक्ष से लेफ्ट हैंड साइड में चलने लगेंगे तो ए डिस्टेंस यहां पर पड़ेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है तो यहां से तो लाइन नहीं जाएगी। y अक्ष के राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो ए डिस्टेंस यहां पड़ेगा और ये प्लस भी है, यहां भी प्लस था, तो लाइन y अक्ष के समांतर होगी प्लस ए डिस्टेंस का मतलब राइट हैंड से जाएगी। अब मुझे इसको कैसा बनाना चाहिए, तो मुझे इसको ऐसा बनाना चाहिए, देखिए ये हमने ऐसी एक लाइन बना ली विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए, इसकी इक्वेशन है, समझ आया आपको। अच्छा अब ये ए कॉमा जीरो है ना पॉइंट, इसलिए ए डिस्टेंस से जाना भी था इसको, तो यहां से यहां तक का दूरी ए रहा होगा, तभी तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, तो ये लाइन यहीं से चली जाएगी। फिगर हमने बना लिया, अब हमको देखना यह है कि दीर्घवृत्त और इन दोनों कोटियों, इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ यहां पर रीजन कौन सा है। तो मुझे जो दिख रहा है कि उसमें दीर्घवृत्त भी होना चाहिए, दोनों लाइंस भी शामिल होनी चाहिए, ऐसा कौन सा रीजन है, क्या ये वाला ऐसा रीजन है, सोचिए और बताइए मुझे, क्या ये रिक्वायर्ड रीजन होगा हमारा, नहीं होगा, क्यों, इसमें क्या नहीं है, दीर्घवृत्त है, x इज इक्वल टू ए है, लेकिन y एक्सिस नहीं है, x इज इक्वल टू जीरो नहीं है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है बेटा। ये पूरा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, आप देखें इसमें सारा कुछ शामिल है, दीर्घवृत्त भी है इसमें, कहां है ये दीर्घवृत्त भी है, इधर भी है, इधर भी है, x इज इक्वल टू ए भी है इसमें, x इज इक्वल टू जीरो भी है इसमें, तो आपको इतना पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, मैं इसको नोट कर देता हूं, रिक्वायर्ड रीजन हमारा यहां पर कौन सा होगा उसको आप देख लें, इसको ओ एफ, इस पॉइंट को ए मान लीजिए और ये पॉइंट, नो सॉरी, ए हम मान चुके हैं, इसको हम और कुछ नाम रख देते हैं, इसको हम नाम रख देते हैं ई, और यहां पर ई डैश कर देते हैं। तो अब रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा बताइए, रिक्वायर्ड रीजन होगा फिगर बी ई एफ ई डैश बी डैश ओ बी, इतना पूरे का एरिया हमको चाहिए, फिगर बी ई एफ ई डैश बी डैश ओ बी, ये फिगर का एरिया ही आपको फाइंड आउट करना है,
यही आपका अभीष्ट क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। मैं एक बार फिर से दिला दूं याद आपको, बी ई एफ ई डैश बी डैश ओ बी, इस पूरे का एरिया चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इसको हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसमें मुझे पट्टी बनानी पड़ेंगी पट्टियां, तो उसके लिए मैं यहां पर ऊर्ध्वाधर पट्टी का इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टी बना ली। अब हम क्या करेंगे कि हम ओ बी ई एफ ओ का एरिया निकाल लेंगे इतने का। आपको ये तो चित्र देखकर समझ आ ही रहा होगा कि जितना एरिया इस ऊपर वाले टुकड़े का है उतना ही इस नीचे वाले टुकड़े का होगा, बिकॉज अवर फिगर इज सिमेट्रिक। तो अगर दोनों ओर से सिमेट्रिक है तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस नीचे वाले टुकड़े का होगा। तो हम दोनों का एक साथ नहीं निकालते, हम क्या करते हैं केवल ऊपर वाले टुकड़े का एरिया निकाल के उसका दुगुना कर देते हैं, बस हम इतना कर देते हैं तो पूरे का आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी कि रिक्वायर्ड रीजन जो हमारा है उसका पूरा एरिया हम निकालने जा रहे हैं। आप शेडेड पोर्शन लिख दें क्योंकि हमने शेड भी कर दिया है। अगर आपको रिक्वायर्ड रीजन चाहिए लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रीजन। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने क्या बताया, हमने बताया कि इस टुकड़े का निकालो ऊपर वाले का और दोगुना कर दो तो पूरे का आ जाएगा। तो आप निकालो एरिया ऑफ फिगर, किसका एरिया निकालो, बी ई एफ ओ बी का एरिया, बी ई एफ ओ बी का एरिया निकालो और जो भी आए उसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। रिक्वायर्ड रीजन के एरिया को हम कैपिटल ए माने ले रहे हैं। एरिया ऑफ फिगर बी ई एफ ओ बी, बी ई एफ ओ बी इस वाले हिस्से का, इसमें हमने ये एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना ली है, वर्टिकल स्ट्रिप्स हमने यहां पर बनाई हैं। अब अगर बेटा वर्टिकल स्ट्रिप बनाई हैं तो अब आप मुझे प्लीज बताइए कि एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज आप करेंगे। ये टू तो हमने ये लिख दिया, अब इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स में हम फॉर्मूला यूज करते हैं वाई डी एक्स, इसकी हमने विड्थ मान ली डी एक्स। अब लिमिट कहां से कहां तक यूज होंगी, तो आप देखें कि जिस भी हिस्से का हम एरिया निकाल रहे हैं वो डी एक्स है ना, तो एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पर यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, इसके आगे नहीं है इसके पीछे नहीं था, तो एक्स एक्सिस पर यहां से शुरू यहां पे खत्म। तो dx लगे होने की वजह से लिमिट भी हमको एक्स एक्सिस से ही लेनी है और x की ही वैल्यूज लेनी है, ठीक है, यहां से शुरू है x एक्सिस पर यहां से खत्म है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है जीरो, जहां पर खत्म वहां पर x की वैल्यू कितनी है a into e, तो लोअर लिमिट हो गई जीरो अपर लिमिट हो गई ए ई, सो फ्रॉम जीरो टू ए ई, और इसमें दो का गुणा हमने पहले ही करवा लिया ताकि टोटल एरिया निकल करके हमारा आ जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, टू मल्टीप्लाइड बाई ये वाई का मान कहां से लाएंगे, वैसे तो हमें जो कुछ भी जानकारी दी है उसमें वाई केवल कर्व में है ही, तो कर्व से ही आपको लानी पड़ेगी। दूसरी चीज इसको समझने का एक और भी अच्छा तरीका है कि आप वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई है ना आपने, इसका मतलब है आप एरिया को ऐसा एक्स अक्ष तक सॉल्व कर रहे हैं, और अगर ऐसा सॉल्व कर रहे हैं तो ये किसके नीचे का एरिया है, आंसर है इस वक्र के नीचे का एरिया है। अगर ये वक्र के नीचे का है तो वाई का मान भी वक्र से लाइए निकालकर, यहां है वक्र यहां से वाई निकालिए आप, तो आप इसे सॉल्व करिए वाई की वैल्यू निकालिए। तो जब आप वाई की वैल्यू निकालेंगे
आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ। तो जब आप वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू आएगी। प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन क्योंकि हमने जो रीजन लिया है दैट इज अबव द एक्स एक्सिस, सो अवर फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, इसलिए हम केवल पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे यहां पर। तो वाई की जगह पे लिख देते हैं बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने वाई की जगह लिखा, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए, ठीक है। और कैलकुलेट कर लीजिए, बी अपॉन ए इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। अब इसका फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, इन एग्जाम्पल्स में कई बार ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो अब आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ये 2 बी अपॉन ए इन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, 2 बी अपॉन ए इन टू, एंड इट्स फॉर्मूला इज एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए फ्रॉम जीरो टू ए, दीज आर अवर लिमिट्स लोअर एंड अपर। अब मुझे इसमें ये लिमिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हम देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मैं एक काम कर लेता हूं, फिगर सबने बना लिया है क्योंकि इतने हिस्से की हमको जरूरत नहीं है, तो थोड़ी सी जगह के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं यहीं पर आपको इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखें। एरिया इज इक्वल टू, सबसे बाहर है 2b अपॉन a, लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, जहां भी x है वहां a इंटू e लिखिए, ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर, तो ये हमने किया ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये हमने अपर लिमिट यूज कर दी। अब हमको लोअर लिमिट भी यूज करना है, तो जहां भी एक्सेप्ट जीरो लिखिए, जीरो बाई टू, बेटा ध्यान से देखें, मैं स्टेप को थोड़ा सा छोटा कर देना चाहता हूं। जब आप बेटा यहां जीरो लिख देंगे एक्स की जगह पर, तो ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, फिर वो जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये पूरा टर्म नहीं जीरो हो जाएगा, तो इसको हम जीरो कर देते हैं। प्लस यहां पर आइए, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जीरो। अब साइन, अब जीरो अपॉन ए करेंगे तो भी जीरो, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो जब ये पूरा जीरो होगा तो ये फिर इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। तो ऐसा हमने एक लाइन कम कर दिया है, आप रख करके उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन जब आप लोअर लिमिट का रखने जाओगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहां पर थोड़े से कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, 2b अपॉन a इंटू, बेटा आप ध्यान से देखें, इन दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, फिर वो ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा, तो क्या बन के बाहर आएगा, ए बन के बाहर आएगा, तो एक ए यहां से आएगा, एक ए यहां पर है, तो ये क्या बन गया, ये हो गया ए स्क्वेयर ई बाई टू अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वेयर कॉमन लिया फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो ए बना, वो ए और ये वाला ए ए स्क्वायर हो गया बाई टू वन माइनस ई स्क्वायर, यहां बच गया प्लस
ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ई, क्योंकि ए से ए कैंसल हो गया। ए स्क्वेयर आप चाहें तो यहां से कॉमन कर सकते हैं और टू भी कॉमन कर सकते हैं, ए स्क्वेयर बाई टू कॉमन हो जाएगा, तो टू बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वेयर बाई टू, तो अंदर आपके लिए बच जाएगा ई अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई। यहां पर टू से टू कैंसिल, ए से इसकी एक पावर कैंसिल, देयर फोर द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी, एक ए बचा बी बचा, यहां पर हो गया ए बी अंडर ब्रैकेट ई अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई, ऐसे। तो ये अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल करके मिल गया आपको, ठीक है। तो बड़ा इजी है, हम इसको चाहते तो वाई एक्सिस को यूज करके भी कर सकते थे, लेकिन उस समय थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो हमने नहीं किया हुआ है, आपको ये ज्यादा इजी है, आप यही तरीका अपना लो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लगातार अब तक हम लोग 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व कर चुके हैं। सभी क्वेश्चंस में एक जो चीज सबसे पहले करनी होती है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू विल हैव टू मेक द फिगर्स वेरी एक्यूरेटली। अगर आप फिगर बनाना जानते हैं तो लिमिट भी पता चल जाएंगी आपको, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो ना तो आप अपना रिक्वायर्ड रीजन बता सकते हैं, ना तो लिमिट पहचान पाएंगे, और कैसी उसमें पट्टियां बनानी है वो भी आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको आंसर निकालना ही नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए प्लीज कोनिक सेक्शन की सभी बातें याद रखें, हालांकि मैं हर क्वेश्चन में उसकी काफी डिटेल कर देता हूं, लेकिन फिर भी आप करना सीखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलते हैं, एग्जाम्पल 5 था और इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है आपकी 8.1 एक्सरसाइज। तो हम अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 8.1 पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं, आप भी अपनी बुक्स में देखिए। लिखा हुआ है वक्र वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, रेखाओं एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। मीन्स ये एक कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये लाइंस दी गई हैं एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस, इन सब से घिरा हुआ एरिया पता लगाना है। और उसके साथ एक कंडीशन और उन्होंने दी है, लिखा है घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र जो पहले चतुर्थांश में हो केवल उतना ही पता लगाना है आपको। अगर इन सब से घिरा हुआ कोई एरिया आपको दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे में, चौथे में, कहीं पर भी अगर मिल जाता है तो वो नहीं पता लगाना आपको। इन सब से बाउंडेड रीजन केवल वो वाला रिक्वायर्ड होगा जो पहले चतुर्थांश में है। इसके अलावा और भी कहीं अगर इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्र मिलता है तो उसको आपको देखना ही नहीं है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पहले चतुर्थांश में इसका जो हिस्सा पड़ेगा उसका एरिया चाहिए। तो हम फिगर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप थोड़ा सा पहचानने की बेटा कोशिश करें, वाई में 2 घात है, एक्स में 1 घात है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द पैराबोला। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है परवलय को, ठीक है। इनके फिगर हम कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखें, सबसे पहले हम पैराबोला को ही ले लेते हैं। हमने आपको बताया था कि परवलय को बनाना है तो उसकी 2-3 बातें चाहिए आपको, शीर्ष चाहिए आपको, उसका कौन सी एक्सिस पर बनेगा वो चाहिए आपको, और ना भी चाहिए उसकी, ठीक है। तो परवलय की इक्वेशन क्या है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, इसकी तुलना हम करते हैं इसके जैसी कौन सी इक्वेशन होती है,
y square is equal to 4ax से कर देते हैं तुलना। जब इससे तुलना कर देंगे तो इफ देखिए आप 4a x की जगह पे x, y की जगह पे y, 4a की जगह पर 1 है, 4a is equal to 1, therefore a is equal to 1 upon 4। अब जो ये पैराबोला है इसके शीर्ष क्या होंगे, वर्टेक्स क्या होंगे, इसके शीर्ष होगा 0, 0। इससे याद करिए शीर्ष की वैल्यू 0, 0 होगी। अच्छा, और एक्सिस कौन सी होगी इसकी, याद करिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका फेस होगा। एक्सिस तो एक्स एक्सिस होगी बेटा, लेकिन इसका जो फेस रहेगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर रहेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स है। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स होता तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे हम इसका फेस बनाते। फोकस इसका क्या होगा, फोकस मींस नाभियां, नाभियां क्या होंगी इसकी, नाभि का निर्देशांक, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे इसका फेस रहेगा। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे इसका फेस रहेगा तो इसकी नाभि आएगी a, 0 इज इक्वल टू a की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 upon 4, 0। हमने कल भी इसके बारे में बताया था कि जब कभी दो कोऑर्डिनेट्स आप एक दूसरे के इक्वल दिखाओगे, दो निर्देशांक एक दूसरे के बराबर दिखाना होगा, तो थ्री लाइंस की इक्वालिटी साइन आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना भी अभी हमको पता चल गई, तो इतने से पैराबोला तो हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं पहले पैराबोला। ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। तो सबसे पहले हाँ, शीर्ष कहां पर है, 0, 0 पर, शीर्ष पैराबोला का यहां पर रहेगा, याद रखिएगा ये शीर्ष है परवलय का, ठीक। इसके बाद अक्ष एक्स अक्ष है, उसमें भी फेस किस तरफ रहेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे है, फेस इस तरफ रहेगा इसका। नाभियां कहां पर होंगी, 1 by 4, 0, तो बेटा 0 ये 1 by 4 प्लस में इधर ही कहीं पर पड़ जाएगा, ये फोकस पड़ जाएगी। तो आप चाहें तो इसको लिखें, आप चाहें मत लिखें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आप इतनी सारी बातों को मिलाते हुए हम इसका फिगर बनाना चाहते हैं, शीर्ष 0, 0 पर, फेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसे, इसको देखिए, ऐसा पैराबोला इस तरह का, आप देखिए एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे फेस बना दिया मैंने इसका, शीर्ष इसका 0, 0 कर दिया, यहां पर इसका फोकस पड़ जाएगा, कहीं पर मत लिखिए, उसकी जरूरत हमको नहीं है, हम एफ लिख ही दे रहे हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। और इसकी इक्वेशन क्या है, हाँ ये इस पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा, परवलय हमने बना लिया, अब इन लाइंस को बनाइए, लाइंस में लाइंस में एक लाइन तो है बेटा x इज इक्वल टू 1, एक लाइन है x इज इक्वल टू 4, और एक x एक्सिस है तो उसको आप पहचानते हो, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू h टाइप का है, h टाइप का है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब आप याद रखिए, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, ये भी तो बेटा x इज इक्वल टू एच टाइप का है, तो ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और तीसरा जो x एक्सिस है
इसको तो आप पहचानते ही हो, ये हम पहले ही बना चुके हैं, उसमें आप देखिए। अब इसको पहले बनाना है, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई एच के समांतर होगी और प्लस वन डिस्टेंस से जाएगी, ये वाई एक्सिस है। इसके पैरेलल लाइन तो ऐसे ही बनेगी कहीं, या तो लेफ्ट या राइट में, कहां बनाना चाहिए मुझे, मैं इसको लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं? आंसर है ये पॉजिटिव वन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे बनाइए। अब इसके पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे पड़ेगी तो हम इधर से बनाना चाहते हैं, वाई अक्ष के समांतर, तो ये वाई अक्ष के समांतर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स इज इक्वल टू वन, और इसको मैं यहां लिख देता हूं एक्स इज इक्वल टू वन। अगर ये एक्स इज इक्वल टू वन है तो बेटा याद रखे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वन कॉमा जीरो, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो वैसे भी जीरो होगा, और ये एफ क्योंकि वन बाई फोर है तो ये और यहां नजदीक आप कर सकते हैं, यहां पर एफ है इसका, ओके। दूसरी लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर, दिस विल बी ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएगी, फोर डिस्टेंस से होकर, यहां पर मैं इसको बना देता हूं। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव साइड से जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू फोर। बेटा अगर इस लाइन की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू फोर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा फोर कॉमा जीरो। अगर आपको ये लगता है कि ये कैसे आ जाता है, सो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए, ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू वन, ये लाइन है एक्स एक्सिस मींस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये बिंदु क्या है, ये बिंदु एक्स इज इक्वल टू वन लाइन मतलब इस लाइन, और वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन मतलब एक्स अक्ष का कटान बिंदु ही तो है। अब एक्स बराबर एक और वाई बराबर जीरो का कटान बिंदु क्या होगा, वन कॉमा जीरो, तो वन कॉमा जीरो हो गया। सिमिलरली व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स एक्सिस हैज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का ये कटान बिंदु है। सो प्लीज सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आप देखेंगे एक्स की वैल्यू फोर, वाई की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, फोर कॉमा जीरो। दिस इज द मेथड कि हम ये कैसे फोर कॉमा जीरो या वन कॉमा जीरो बोल दिया करते हैं, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, हमने सब कुछ कर लिया, हां एक एक्स एक्सिस भी है तो वो ऑलरेडी बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस आपकी बनी है। आपको कौन से रीजन का एरिया पता लगाना है, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है उसको ध्यान से देखिए, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, देखें इसमें वक्र भी है, x इज इक्वल टू वन भी है, x इज इक्वल टू फोर भी है, x एक्सिस भी है और प्रथम चतुर्थांश में भी है ये, आप देखिए। हालांकि ऐसा ही एक हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये वाला है, लेकिन हमको आज इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना, क्यों, स्पेशियली क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम चतुर्थांश में जो हिस्सा है बस उसका पता लगाओ। हालांकि यही क्वालिटी रखने वाला ये हिस्सा भी है, ये रीजन भी है, बट वी डोंट हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस रीजन, हमको नहीं पता लगाना है, ठीक है, मुझे केवल इतने का चाहिए। तो बड़ा ईजी है बेटा, आप एक काम कर ले, यहां पर ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टी बना लें आप, यूं इस तरीके की हम स्ट्रिप्स इस पे बना लेते हैं, और इस विड्थ को हम मान लेते हैं डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है इस फिगर में, क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा कि
अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है, आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसके कुछ नाम रख देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो रिक्वायर्ड रीजन का नाम बताइए मुझे, फिगर ए बी सी डी ए, ये रिक्वायर्ड रीजन है, इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रीजन है एंड एरिया ऑफ, ये इसी का एरिया हमको फाइंड करना है, इसी को हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इसमें हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप बना ली है, वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं। हमने हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वाई एक्स अक्ष यहां पड़ता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब इसका एरिया मुझे पता लगाना है, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बताइए ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप के लिए कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक, अब इसकी लिमिट्स डिसाइड करके मुझे बताओ जल्दी से, कौन सी अच्छे से लिमिट लेनी है बताइए। डी एक्स लिखा है आपने, स्ट्रिप ऊर्ध्वाधर बनाई है, तो एक्स अच्छे से लिमिट लेंगे। ठीक है, अच्छा कहां से कहां तक आपका ये एरिया फैला हुआ है, एक्स अक्ष पर चेक करिए, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां खत्म, इसके पहले नहीं था, इसके बाद भी नहीं है। तो यहां पर जो x की वैल्यू, x अक्ष से लेंगे, x की ही वैल्यूज लेंगे, देखो ध्यान रखिए, तो x अक्ष से यहां से स्टार्ट, तो यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां पर खत्म, तो यहां पर x की वैल्यू 4 है। तो लोअर लिमिट क्या हुई, जहां से स्टार्ट वहां पर x की वैल्यू लोअर लिमिट, जहां से खत्म वहां पर x की वैल्यू अपर लिमिट, सो योर लोअर लिमिट विल बी 1 एंड द अपर लिमिट विल बी 4। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यहां से y निकालिए। अब फिर से इसको समझिए कि जब ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप बनाई तो यह स्ट्रिप किसके नीचे ऐसे बनी हुई है, अगर पट्टी की लाइन में हम चलेंगे तो ये किसके नीचे का एरिया है, आंसर इस कर्व के नीचे का, आप देखो मेरा हाथ इसी के नीचे का तो पूरा है, तो कर्व से वाई का मान लाएंगे, कर्व से वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, लेकिन क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर है तो केवल प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स लिख दें, या आप एक्स टू दी पावर 1/2 कर दें, डी एक्स फ्रॉम 1 to 4, इसको सॉल्व कर लें, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4। 3/2 का कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं, बाकी इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो पहले x की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। हमने आपको कई बार बताया है कि जब कभी किसी नंबर की पावर 3/2 होती है, जैसे अगर x टू दी पावर 3/2 है तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x क्यूब टू दी पावर 1/2, या तो हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 क्यूब। और आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से काम भी कर सकते हैं, या तो आप पहले क्यूब कर लें बाद में वर्गमूल निकाल लें, या फिर पहले वर्गमूल ले लें बाद में क्यूब कर दें, कोई भी काम कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ए विल बी इक्वल टू 2/3, हम पहले वर्गमूल लेंगे बाद में क्यूब कर देंगे, 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 1 का स्क्वेयर रूट 1, 1 का क्यूब करिए 1, तो ये 1 यहां पर आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू 2/3 × 7, 8 − 1 = 7, a इज इक्वल टू 14/3, एंड बिकॉज दिस इज एरिया सो वी हैव टू राइट इन इट स्क्वेयर यूनिट, सो अवर एरिया ऑफ दिस फिगर
विल बी 14 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट. दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन. आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. बेटा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखें, लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में. याद रखें, शुरुआत में इसमें बोल दिया है कि प्रथम चतुर्थांश का ही केवल आप निकालिएगा. तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए. वक्र दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, लाइंस हैं एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम उसी तरीके से करना है आपको, ठीक है. तो आप देखिए यहां भी ये वाई में द्विघात, एक्स में एक घात है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये परवलय को रिप्रेजेंट करेगा. फिर से इस परवलय के बारे में जानकारियां, और बिल्कुल क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर देता हूं. ये जो पैराबोला है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x से कर दीजिए. जब आप इससे तुलना करेंगे तो 4a की जगह पर आपको क्या मिलेगा, 4a की जगह पर 9 है, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 9/4. अब इसके शीर्ष क्या होंगे, 0,0. इसकी अक्ष क्या होगी, अक्ष तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ फेस रहेगा, अक्ष तो एक्स एक्सिस रहेगी, फेस किस तरफ रहेगा, फेस रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और अगर यहां नेगेटिव साइन होता तो फेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाता. अच्छा, ये फेस हो गया, एक्सिस हो गई, फोकस क्या होगा. इसे फोकस की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है, मत निकालिए या निकाल लो. फोकस इसका क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, फोकस होगा 1,0 मींस 9/4,0. 9/4 मींस 2.25 0. ये पैराबोला के बारे में जानकारी हो गई. लाइंस का भी निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे बनाते हैं. लाइंस इसमें पहली लाइन आपको जो दी गई है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 4. और आप सब अब जानने लगे हैं ये भी एक्स इज इक्वल टू एच टाइप की लाइन है, ये भी एक्स इज इक्वल टू एच टाइप की लाइन है, और दोनों ही पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं. पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, प्लस 2 डिस्टेंस से जाएगी, ये भी वाई एच के समांतर है, प्लस 4 डिस्टेंस से जाएगी लाइन. तीसरी एक्स एक्सिस है उसको हम बना ही लेंगे. अब फिगर बनाते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव एक्स और यहां नेगेटिव एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसके निर्देशांक 0,0 हैं. परवलय शीर्ष 0,0 पर है, यहां पर परवलय का शीर्ष इस जगह पर ओरिजिन पॉइंट पर. अच्छा, एक्स अच्छे फेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और ना भी एक्स एक्सिस पर है, तो पैराबोला तो ऐसा ही बनेगा. ऐसा ये थोड़ा सा कम अच्छा बन गया, इसको मैं और ऐसे बनाना चाहता हूं, यू इस तरह से. इस पैराबोला की इक्वेशन बेटा क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x. इसका फोकस यहां से मूल बिंदु से 2.25 डिस्टेंस पर होगा, चलिए उसको बाद में हम देख लेंगे. लाइंस हमारी एक x इज इक्वल टू 2 है, एक x इज इक्वल टू 4 है, दोनों y एक्सिस के पैरेलल हैं. अगर हम ये 1 माने, 2, 3, 4, तो एक x इज इक्वल टू 2 से जाएगी, x इज इक्वल टू 2 लाइन है y अक्ष के समांतर.
ऐसे, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू टू. अगर x इज इक्वल टू टू है देन व्हाट विल बी दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 0. ठीक है, इसका नाम हम a रख लेते हैं. इसके बाद दूसरी x इज इक्वल टू 4, दिस लाइन विल बी ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस और प्लस 4 डिस्टेंस से जाएगी. तो प्लस 4 से जाएगी, यहां से जाएगी y अक्ष के समांतर, प्लस 4 डिस्टेंस से जाना है इसको भी ऐसे, y अक्ष के समांतर और प्लस 4 डिस्टेंस से जाएगी. इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट विल बी 4, 0. एंड सपोज दिस पॉइंट इज b. ये तो समझ आ गया ना पॉइंट 4, 0 कैसे आ जाता है. अभी हमने बताया ना आप उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के कर सकते हैं. इस बिंदु को हम c मान लेते हैं, इस बिंदु को d मान लेते हैं. एंड नाउ विच इज अवर रिक्वायर्ड रीजन, सो द अवर रिक्वायर्ड रीजन इज दिस साइडेड पोर्शन, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड रीजन. क्यों? इसमें सारी क्वालिटीज हैं, कर्व भी है, x इज इक्वल टू 2 लाइन भी है, x इज इक्वल टू 4 लाइन भी है, x एक्सिस भी है और प्रथम चतुर्थांश में भी है. ठीक है, सारे गुण हैं, बस उसी का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. सो रिक्वायर्ड रीजन, कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है? फिगर ए डी सी डी ए, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है और इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. देन एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के हिसाब से, इसकी पट्टी बनाना, ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाना, बनाकर सॉल्व करना ज्यादा इजी है. तो मैंने इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बना दी, देखिए ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बना दी. विड्थ इसकी कितनी लेंगे? एक्स एक्सिस पर है dx, इसकी विड्थ लेंगे. फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? जो ये स्ट्रिप बनी है ये मैं फिर से लिख देता हूं हर बार की तरह, दैट वी हैव मेड हियर वर्टिकल स्ट्रिप्स, और इस समय जो फॉर्मूला लगेगा y dx ही लगेगा. इसमें 2 से 4 से कुछ मल्टीप्लाई आपको नहीं करवाना है. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इसी का एरिया चाहिए. हाँ, अगर इसके साथ इसका भी चाहिए होता तो फिर हम इसका निकाल के डबल करवा देते, बट वी डोंट वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन. क्वेश्चन में ही बोला है पहले चतुर्थांश में जो पड़ता है बस उसका निकालो. लिमिट्स क्या होंगी? बड़ा आसान है. कहां से आप लिमिट उठाएंगे, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से? एक्स एक्सिस से, क्योंकि डीएक्स हमने एक्स पर ऐसे पट्टी बनाई है. और एक्स के मान लोगे कि वाई के मान लोगे? एक्स की ही वैल्यूज आप उठाएंगे. तो आप देखिए एक्स अक्ष पर यह हिस्सा स्टार्ट कहां से हुआ? हम यहां से चलना शुरू किए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ. यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एक्स की वैल्यू है 2, और एक्स एक्सिस पर चलते चले गए तो यहां पर खत्म हो गया, यहां पर एक्स की वैल्यू है 4. तो ये लोअर लिमिट हो गई, वो अपर लिमिट हो गई, 2 और 4. एक चीज मेरे मन में आ रही है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका ये फोकस कहां है 9/4, 0. वेरी सिंपल, दिस इज 2.25, 0. ये 0.2, 0 है, तो 2.25 कहां पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट साइड में. सो दिस विल बी द फोकस, यहां राइट हैंड साइड में कहीं पर इसका फोकस पड़ जाएगा. दिस विल बी 2.25, 0. हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं बनाया. सॉल्व करिए, वाई का मान कहां से लाना है निकाल के? तो देखो स्ट्रिप जो पट्टी बनी है उसके साथ साथ चलिए, पट्टी के साथ साथ चलिए और देखिए कि किसके नीचे का एरिया है ये. ये इस कर्व के नीचे का एरिया है. अगर कर्व के नीचे का एरिया है तो कर्व से y निकालिए, कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 3 अंडर रूट x.
इंटीग्रेशन ऑफ 3 अंडर रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम 2 to 4। 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेते हैं और x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस विल बी x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 2 to 4। ये नंबर पलट के वो बाहर आ जाएगा, ये 3 है ये 2/3 बाहर आ जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले 4 लिखेंगे, 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2। सॉल्व कर लीजिए, द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2, 4 to the power 3/2। पहले आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए फिर क्यूब कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब कर दिया 8 आ गया माइनस। अब 2 का कैसे करोगे, तो पहले इसका क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर रूट कर लेना, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट करने जाओगे तो वो आएगा 2 under root 2। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आप एरिया मल्टीप्लाई या 2 कॉमन ले सकते हैं, जो मर्जी आपकी कर दो, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 16 minus 4 under root 2, एंड बिकॉज दिस इज द एरिया सो वी हैव टू राइट हियर स्क्वेयर यूनिट। ओके, बस आ गया आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन बेटा लगभग एक जैसे ही लगे हैं, और मैं तो कहता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही लगेगा। हाँ, फिगर में थोड़ा सा बदलाव आएगा पर यू कैन ट्राई इट। तो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 लगाया, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया, आपने देखा भी, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, बेहद इजी रहा है क्वेश्चन। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस 1 by 1 हम लगाते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू।